हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास भी लीग ऑफ लेजेंड में ये एरर आ रहा है तो आप इजीली इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आप ये प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और कमेंट टाइप करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कमेंट टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप जो है कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 2, आपको विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन करना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर एडवांस नेटवर्क सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क रीसेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर रीसेट नाउ पर क्लिक कर यस के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास विंडोज़ में ऑल नेटवर्क रीसेट हो जाएंगे। फिर आपको विंडोज़ की सेटिंग को क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर 3, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, ओके। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडेप्टर सेटिंग ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, आप जो भी वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है अल्टरनेट DNS सर्वर, आपको इस तरीके से टाइप करना है। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 4, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर ट्रबल शूटर, आप इस पर क्लिक कीजिए। और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इंटरनेट कनेक्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है। उसके बाद आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको ये सेटिंग को क्लोज कर देना है। फिर आप अपने PC या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।